हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेवन लेक्चर ऑन एच टी एम एल विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेब इंजीनियरिंग लेक्चर कोर्स एंड द टॉपिक फॉर टूडेज लेक्चर इज़ एक्स एच टी एम एल एक्स एच टी एम एल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज इसमें से आप एक्स एच टी एम एल को आप देख सकते हैं कि इसमें से बनता है एक्स एच टी एम एल दैट इज़ एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल सिमिलर होती है एच की तरह बट डिफरेंस क्या है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है जैसे एच में तो कई बार हम कुछ टैक्स को क्लोज नहीं भी करते तब भी आपका पेज वो रन करता है बट ब्राउज़र क्या है उसमें कुछ वार्निंग शो करता है बट अगर आप एक एक्स एच टी का पेज बना रहे हो तो आपको कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही करना है एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्लोज द टैग्स इन ऑफ एच टी एम एल सो एक्स एच टी एम एल इज़ फॉलोड वेयर वी हैव टू प्रॉपरली Uh, do the syntax of the web page. So, there are certain differences from this uh, HTML. So, let's see what those differences are. If first difference is in H XHTML, doc type is mandatory, which is not a case in HTML. So, in XHTML, doc type is mandatory then second certain tags such as html head title and body the four basic tags of html are mandatory in the xhtml part so these are mandatory then

इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक टैग सपोज टाइटल ओपन किया और इसके बीच में कुछ टाइटल लिखा तो बिफोर ओपनिंग अनदर टैग सच एज बॉडी यू हैव टू क्लोज दिस टैग आपको इस टैग को क्लोज करना कंपलसरी है सिमिलरली बॉडी को भी आपको क्लोज करना कंपलसरी है एच टी एक्स एच टी एम एल में एंड ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इन लोअर केस जो भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हो एक्स एच टी एम एल में वो लोअर केस के अंदर लिखते हैं And they must have only one root element. So these are some of the differences from HTML. Now we will see what are the steps to convert an HTML to XHTML. The first step is to add add XHTML. डॉक टाइप टू द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पेज सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए हर पेज की वो ये होनी चाहिए डॉक टाइप देन सेकेंड एड एक्स एम एल एन एस एट्रीब्यूट टू एच टी एम एल एलिमेंट ऑफ एवरी पेज तो ये पहले दो स्टेप्स हैं जो आपको ऐड करने हैं देन वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू चेंज ऑल एलिमेंट नेम्स इन लोअर केस तो चेंज ऑल एलिमेंट नेम्स टू लोअर केस जो इसका रूल है वही इसमें आपको कन्वर्जन में करना है कि सबको लोअर केस में कर देना है आपको देन क्लोज ऑल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स को क्लोज करना है देन चेंज ऑल एट्रीब्यूट नेम्स टू लोअर केस जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो भी लोअर केस में करने हैं So these are some of the steps that you need to follow to convert an html into a XHTML document. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on web engineering and other computer science related subjects. Thank you.